नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल देश के किसान पर। तो दोस्तों बात करेंगे या चर्चा करने वाले हम कि मध्य प्रदेश का जो फसल बीमा 2020 का है, इसको लेकर हाल ही में एक वीडियो जो है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का जो है सामने आया है, या क्लिप जो है सामने आई हुई है। तो क्या है इस वीडियो में, कितनी सच्चाई है, आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद जो है हम फसल बीमा के ऊपर जो है चर्चा करने वाले हैं। मैं अपने किसान भाइयों से भी निवेदन करता चाहता हूँ, एक तो ये कि वो बीमा का पैसा 2020 का, तो ज्यादा मेरी कोशिश है कि सब विवाद निपटा के इसी महीने खाते में डाल दूं, ज्यादा से ज्यादा फरवरी का पहला सप्ताह। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बताया है कि जो है मध्य प्रदेश का जो है फसल बीमा, जो सोयाबीन का मुआवजा जो है और फसल बीमा जो है 2020 का जनवरी 2022 के अंत तक, या फिर यूँ कहें कि फरवरी के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में जो है किसानों को खुशखबरी मिलने वाली है। या यूँ कहें कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से कहा गया है कि जो फसल बीमा जो है 2020 का, ये सरकार के द्वारा वितरित किया जाना है। तो दोस्तों बात करें अगर फसल बीमा या फिर मुआवजे की, तो दोस्तों ये एक दो पहलू हैं। पहला ये कि मुआवजा जो सोयाबीन का मुआवजा है जो कि राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, और बात करें फसल बीमा की तो एक अधिकृत जो कंपनी, जो बीमा कंपनी होती है, इसके द्वारा जो है कंपनी के द्वारा दिया जाता है। तो अभी यहाँ बात करें बीमे की, तो दोस्तों बीमा जो है अभी जो है हाल ही में मिल सकता है किसानों को जनवरी के लास्ट सप्ताह में, या यूँ कहें कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में। और बात करें मुआवजे की, सोयाबीन मुआवजे की, तो ये हाल ही में जो है अभी किसानों को नहीं मिलेगा, क्योंकि राज्य सरकार जो है इस पे अभी कोई भी आधिकारिक बयान जो है सरकार की तरफ से कोई भी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या जो है सोयाबीन का मुआवजा, या फिर यहाँ बात करें सोयाबीन का जो बीमा है, फसल बीमा 2020 का, क्या किसानों को मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, ये तो एक बात की बात है। पर इस वीडियो के माध्यम से इतनी जो है हमें जानकारी, या यूँ कहें कि थोड़ी जो एक प्रकार की अच्छी खबर जो है किसानों के लिए हो सकती है। अगर मुआवजा जो मिलता है किसानों को, तो इस मुआवजे से किसानों को बहुत ही फ़ायदा होगा। और जैसा कि हाल ही में अभी भी ओलावृष्टि और अब बेमौसमी बारिश की वजह से जो है किसानों को बहुत नुकसान हो चुका है, जो किसान साथियों को जो है शिवराज सरकार जी, जो शिवराज जी जो है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इन्होंने अभी हाल ही में ये भी बयान दिया है कि ये भी जो है इसका भी फसल का सर्वे करवा कर इसकी भी जो है राहत राशि जो है दी जाएगी। तो किसान साथियों देखते हैं कि आगामी जो एक या दो सप्ताह के अंदर जो फरवरी माह जो आएगा, देखते हैं कितना जो है फसल बीमा जो है हमारे किसानों को जो है मिलेगा, कितनी जो है सरकार में जो है इस बात को लेकर सच्चाई है कि क्या किसानों को मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या देखा जाए तो बातें बनाकर, या देखते हैं कि हर बार की तरह क्या इस बार भी जो है शिवराज सरकार फ्लॉप होने वाली है, क्या इस बार भी जो है एक तरह से किसानों को सिर्फ बातें ही बनाकर जो है सरकार अपनी रोटियां जो है सेक रही है, राजनीति की जो रोटियां सेक रही है, क्या हर बार की तरह इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। तो किसान साथियों बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, जैसा ही इसको लेकर, मुआवजे को लेकर जो कुछ भी खबर आएगी, तो हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। किसान साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और पास में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी समय समय पर आपको मिल सके। तो इसी छोटी सी जानकारी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।